So today we are going to discuss which part? Fifth part. Six of inside our heart. ठीक है? Sorry. So today we are discussing the topic. Rock cycle. ठीक है? तो rock cycle में basically क्या होता है? बताइए. देखो होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, लावा होता है या मैग्मा होता है? होता है कि नहीं होता? तो जब मैग्मा अर्थ सरफेस से बाहर आता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या फॉर्म करता है? इग्नियस रॉक. ठीक है, जो यही रह गया वो क्या बना? एक्सट्रूजन इग्नियस रॉक. ठीक है, जो बाहर की तरफ आया वो क्या बना? एक्सट्रूजन इग्नियस रॉक. ठीक है, इग्नियस रॉक की वेदरिंग हुई. किस रॉक की वेदरिंग हुई? एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक की वेदरिंग हुई. ठीक है, फिर वो टुकड़े में टूट के छोटा छोटा हो गया. ठीक है, ये क्या है? इग्नियस रॉक, आई आर. ठीक है, ये आई आर है, इग्नियस रॉक. ठीक है, इग्नियस रॉक की वेदरिंग के बाद क्या फॉर्म हुआ? सेडिमेंट. सेडिमेंट. ठीक है, और इन सेडिमेंट को जब एक जगह मिला दिया गया और उसको एक हार्ड या सरफेस बन गया वो, ठीक है, उसने एक सॉलिड सॉलिड स्पेस सॉलिड शेप का फॉर्मेशन कर लिया. ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा? सेडिमेंटरी रॉक्स. ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक्स. ठीक है, ये क्यों हुआ? ये प्रोसेस क्या लगी इसमें? वेदरिंग. वेदरिंग का मतलब क्या होता है? ब्रोकिंग इनटू स्मॉलर स्मॉलर पीसेस. ठीक है, और द सेपरेशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ इग्नियस रॉक. होता है कि नहीं होता है? जब किसी रॉक के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का सेपरेशन हो जाता है, अरे भाई ये मार्कर है, इस मार्कर का लेयर अलग अलग कर दिए, ये प्लास्टिक अलग, इंक अलग, इसकी जो मैं भाई अलग, तो लेयर्स का डिफरेंस हो गया ना, सेपरेशन हो गया. ठीक है, उसी तरह से जब ये वेदरिंग हुई, यानी कि इस मार्कर की क्या हुई? वेदरिंग. ठीक है, सो ये एटमोसफियर की प्रेजेंस में हो रहा है वेदरिंग. ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद, ठीक है, जब ये और ये मिल करके क्या बना है? मेटामॉर्फिक. मेटामॉर्फिक क्या हुआ? किस प्रोसेस से मेटामॉर्फिक बनता है? प्रोसेस का नाम चाहिए, कल ही मैंने बताया. दिव्या, मैग्मा प्रोसेस का नाम थोड़ी ना है. अरे रुक जाओ, तुम्हें बता दो. तनु बैठो, क्या होता है वो प्रोसेस जिससे मेटामॉर्फिक रॉक बनता है? अरे बता दो, तुमसे उम्मीदें हैं, बताओ. मानसी, मेटामॉर्फोसिस या मेटामॉर्फिज्म कहते हैं ना? बैठो, गली के क्लास में डिस्कस हुआ था ना, बैठो, तुम भी बैठो. ये होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था तो यही चीजें ये होमवर्क में ऐड कर दिया था. विषय मेटामॉर्फोसिस या मेटामॉर्फिज्म. ठीक है, सो The combination of these both rocks, okay, when go through a process of metamorphism or metamorphosis, then there is a formation of what? Metamorphic. क्या बना? Metamorphic rock. ये geography है ना? Yes sir. इस figure को draw कर लीजिए, लेकिन ऐसा draw मत कीजिएगा. ठीक है? यहाँ पे क्या कीजिएगा? रुको. देखो ये है हमारा वोल्केनो. ठीक है, यहां से मैग्मा निकला. ठीक है, दिवाली के अनार की तरह यहां पे कुछ सरफेस पे रॉक्स रह गए. ये क्या बने? इंट्रूसिव. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ठीक है, जो बाहर की तरफ आकर के जिस रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या बने? एक्सक्लूसिव. ठीक है, एक्सक्लूसिव बने. इनकी क्या हुई? वेदरिंग हुई. ठीक है, वेदरिंग के बाद ये क्या बने? सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है,
सेडिमेंट्री और ये इग्नियस, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के एक एक प्रोसेस फॉलो किया जिसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, और ये क्या बने, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये एक साइकिल का फॉर्म नहीं लग रहा है, ये धीरे धीरे करके एक साइकिल बन गई, ठीक है। और ये एक साइकिल का मतलब क्या है कि ये धीरे धीरे रिपीट हो गई, भाई ये पत्थर बन गया जब मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या करेगा जो हमारा अर्थ का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, फिर नीचे आता है अपना बेडरॉक, बेटो। तो बेडरॉक के हिसाब से क्या होगा, जब मैग्मा का लेवल फिर से ऊपर आएगा तो वो इग्नियस रॉक ही तो है कि नहीं है, इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक है। उसको हमने जलाया, बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर दिया, पिघल गया, फिर से मैग्मा बन गया, फिर से कहीं से वोल्केनो के फेस में बाहर आया, फिर ये बना, ठीक है। लेकिन ये रिवर्सिबल बहुत कम होता है, ठीक है, इट इज रिवर्सिबल बट एट वेरी रेयर केसेस। इट इज रिवर्सिबल बट एट वेरी रेयर केसेस। इसकी कॉपी मंडे को कंप्लीट नहीं मिलेगी, उसको एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया, ये मेरा नहीं है, स्कूल की अथॉरिटी का आदेश है। हाँ दशहरा के बाद मंडे ही तो है, उसके बाद वो एक सॉलिड शेप बन गया। सॉलिड शेप का मतलब क्या है, एक पत्थर का रूप ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो इस पत्थर को हम क्या कहते हैं, ठीक है। और इन छोटे छोटे टुकड़ों का एक पत्थर में कन्वर्ट होना क्या है, वेदरिंग। समझ में आया, ये हो गई रॉक साइकिल खत्म, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने बुक पे, मिनरल्स पे। सर पहले आपको पूछिए पूछिए क्या पूछना चाहिए सर, आप सर एग्जांपल देखिए सर, आप दिव्यांश को बनाए थे सर, आप क्या रहते मतलब कोर मेंटल और ट्रस्ट, सर आप क्या रहते ऑनलाइन क्लास नहीं करते थे ना तुम, ऑनलाइन क्लास सर आपने तो एक बार भी किया, आज तो आपने कोई ऑनलाइन क्लास सर हम किए जिसमें पूरा आंसर बताया थी इसी का, मैंने किया है इसका नाम मुझे याद था, लेकिन ये शायद अपने मम्मी के नाम से थी उस टाइम पे, इसलिए मुझे इसका नाम क्लियर नहीं था, तो मैं बार बार ये आंसर बता रही थी, मैं बार बार गुड गुड कह रहा था बट नाम नहीं पता। ये भी क्लास करती थी रेगुलर आस्था साल, इसकी भी क्लासेस डेली आती थी बट बाद में ये इररेगुलर गायब हो गया। कल क्लास है, जो प्रेजेंट नहीं रहा ना क्लास में, जितने भी आपके दोस्त, कल आपकी ऑनलाइन क्लास है क्लास 7, आप लोग नहीं, आप लोग तो स्कूल में आते हैं ना, जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनसे कह दीजिएगा जो प्रेजेंट नहीं होंगे उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी क्लास में। चलिए ये कंप्लीट हो गया सबका, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिनरल्स, मिनरल्स ठीक है।
अभी हमने बस ये पढ़ा कि रॉक साइकिल बेसिकली कैसे होता है। मिनरल्स में क्या क्या आ सकता है कोई बताएगा? व्हाट कैन बी कट इन द कैटेगरी ऑफ मिनरल्स? कोई बताएगा मिनरल्स क्या होते हैं? अरे एक नहीं कोई और बताओ। व्हाट आर द मिनरल्स शुभम? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रॉक साइकिल के बाद ये है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स आर बेसिकली दोज एलिमेंट्स और दोज ओर्स दैट वी फाइंड इन दीज रॉक्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी चीज की बात करते हैं, कोई ऐसा पत्थर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, वो मिनरल्स के फॉर्म में हमें मिलता है। सबसे पहला एग्जाम्पल डायमंड। ठीक है, डायमंड इज अ मिनरल तो है ही, इट इज अ इग्नियस रॉक। किसको नहीं पता था इस चीज के बारे में? डायमंड कोयले की खान से मिलता है, पता है कि नहीं पता? कोयला एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ये भी तुमको पता है? वो शाइनी बनाया जाता है, वो शाइनी होता नहीं है। शुगर के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, जैसे अगर जो आइस जो शुगर क्यूब्स होते हैं उनको तो मिला के एक बड़ा सा फॉर्मेशन कर दें, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली डायमंड पाया जाता है ऐसे इररेगुलर शेप्स। ठीक है, और उसके अंदर शाइन 0.1% भी नहीं होती। बाद में उसको क्या करते हैं, शाइनी बनाते हैं, उसको हम तराशते हैं, कहते हैं ना हीरे को तराशना। ठीक है, तो उसको एक ऐसा शेप दिया जाता है, ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे ही मिल जाता है, रखा रहता है जाकर उठा लिया। ये भी एक कार्बन का ही कंपोनेंट है, कोल भी एक कार्बन का कंपोनेंट है, ये भी एक कार्बन का कंपोनेंट है। ठीक है, एंड जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 60 टू 960 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन दिस इज मेड एज कार्बन। ठीक है, कोल भी ऐसे ही होता होगा? नहीं, कोल कार्बन का कंस्टिट्यूएंट है ही नहीं, फिर तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। गोल्ड बेसिकली उसके अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, वो मिट्टी के साथ मिला हुआ मिलता है। ठीक है, मिट्टी का मतलब क्या है, सैंडस्टोन जो हमारा होता है ना, सैंडस्टोन की वजह से ये फॉर्मेशन इसका गोल्ड का भी होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि किसी एक जगह पे कोई एक मिनरल बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। स्टील है, स्टील कोई बनाता थोड़ी ना, टाटा सिटी जमशेदपुर इज नोन एज स्टील सिटी, व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग अ वेरी वाइडर प्रेजेंस ऑफ स्टील इनसाइड दैट। अर्थ के क्रस्ट पे वहां पे स्टील का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब लावा जो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं, सॉरी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं, ठीक है, तो जब वो धीरे 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 करके जब वो अपना टेम्परेचर लो करते हैं, ठीक है, तो उन टेम्परेचर लोअरेंस की वजह से कई बार कुछ मिनरल्स या फिर कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें आयरन की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, और दे आर हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, सिमिलरली स्टील इज ऑल्सो हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दैट इग्नियस रॉक इज नोन एज स्टील। क्या हुआ? कन्फ्यूशियस, इसका नाम रखना है कन्फ्यूशियस। सर मेरा अच्छी नजर आपको कंफ्यूजन हो रही है, मैंने समझ में आया। यस सर, देखो ये एक जगह है, ये हम समझ लेते हैं कि ये हमारा एक अर्थ सरफेस है। ठीक है, अर्थ की गहराइयों में यहाँ पे लावा बह रहा है। ठीक है, फटा लावा निकला, वो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव हो गया। ठीक है, जो भी यहाँ पे रह गया, ठीक है, जो इसके कॉन्टेक्ट में रेगुलर है, ठीक है, तो लावा के एक कॉन्स्टेंट फ्लो की वजह से, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, रेगुलर फ्लो। ठीक है, यानी कि ये डेली एक मिलीमीटर लावा के कॉन्टेक्ट में डेली आ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इसका टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से, ठीक है, और इस मिट्टी की वजह से, ठीक है, जो इसके मिनरल्स है उनको ये एब्जॉर्ब करके एक डिफरेंट टाइप का मेटल बन जाए। ठीक है, मेटल बनेगा या फिर एक स्टोन बनेगा। ठीक है, और उसी स्टोन को क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो हमें मिलती है, ग्रेफाइट जो पेंसिल की निब होती है वो भी क्या है, स्टोन है। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज केवल पेंसिल की निब बनाने में नहीं करते हैं, उसका यूज हम करते हैं कंडक्टर्स बनाने में। कंडक्टर क्या होता है, जो बस में टिकट काटता है? कंडक्टर वो होता है जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली पास कराता है। ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये तीन चीजें होते हैं, किसको नहीं पता है?
पता है सबको, ठीक है, इंसुलेटर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इंसुलेटर एंड सॉरी इंसुलेटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर्स आर पार्शियल एंड वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. सो टू मेक दीज कंपोनेंट्स लाइक सेमी कंडक्टर्स, सुपर सेमी कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स, वी यूज दिस मिनरल्स और स्टोन, ठीक है, इन स्टोन्स का यूज हम करते हैं. समझ में आया है ये? इसको समझ में नहीं आया, तनु नहीं समझ में आया, दिव्यांश, शुभम नहीं समझ में आया, ठीक है. देखो ये तो समझ में आया नहीं, ये कैसे बन रहा है? yes. ये समझ में आया? yes. बाद में इसकी खुदाई की जाती है, ठीक है, तभी तो हम जानते हैं कि ये कोयले की खदान है, ये कोयले की खान है, दीज आर कोल माइंस. इतनी गहराई तक आप जाएंगे, मैग्मा कहाँ प्रेजेंट होता है? बिनिथ अर्थ. दैट इज व्हाई वी आर नॉट अलाउड टू डिग एट दैट रेट. 2900 किलोमीटर हम नीचे खोद नहीं सकते हैं भाई. फॉसिल कितना अंदर जाएगा भाई? मुश्किल से होगा 100 किलोमीटर अंदर होगा. 2900 किलोमीटर तो कौन खोदेगा? इतना ज्यादा किसी के पास टाइम भी नहीं है. और दूसरी चीज ये कि डिगिंग में बहुत ज्यादा पैसे की खर्चा, पैसे की खपत होती है. देखो एग्जैक्टली होता क्या है ना कि जापानीज टेक्नोलॉजी जब से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, दे आर हैविंग एक्सरे क्वालिटी, ठीक है, तो वो समझ में आ रहा है. गुड गौतम, तू तो बनी क्लास में बैठे हो, बताना चाहिए ना सर, समझ में नहीं आ रहा है. नहीं आया उनको? सपना आएगा बताओ, कितना तो नहीं समझ में आया तो बताएंगे फिर से. इस तरह से तो हम चैप्टर कंप्लीट करने की तरह पढ़ते चलेंगे ना, बताओ भाई. यही ना करेगा नॉर्मल मैन, क्या करे? ठीक है, इस लो इस हाई टेंपरेचर की वजह से ये धीरे धीरे अपना टेंपरेचर कम करता है, ठीक है, और जो सॉइल की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है लेयर वाइज, ठीक है, तो एक मिनरल का फॉर्मेशन होता है. मिनरल क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रॉक, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप का पत्थर है. हम लोग ये सब जो पहनते हैं ये सब क्या चीजें हैं? ये क्या है? स्टोन है भाई. इन स्टोन्स की फॉर्मेशन होती है. ये कहीं कोई इंडिविजुअल बना नहीं रहा है, कंपनी नहीं बनाती है ये सारी चीजें. ये सारी चीजें नेचुरली अकरिंग है, ठीक है. दोज स्टोन दैट आर वेरी मच यूजफुल, ऐसे स्टोन जो बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है, और जो अर्थ के अंदर डिग करने में मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं. समझे सुधांशु? दिस इज द रीजन व्हाई वी से दीज स्टोन्स एज अ मिनरल. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारे यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और बहुत रेयरली कई जगह पर मिलते हैं. स्टील है तो वो एक जगह पे मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अर्थ के अंदर हर जगह पे स्टील आपको मिल जाए, ठीक है. जो हमारी कोल की माइंस है वो झारखंड में इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पे कार्बन का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कार्बन का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है और इसके साथ साथ ही क्या ज्यादा है वहां पे? कोल की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है. जापानीज टेक्नोलॉजी की मदद से हमें ये चीजें पता लगी हैं, ठीक है, कि एक्सरे की वजह से ये पूरा ये चीज कोल का बना हुआ, ठीक है. लोग ये भी कहते हैं कि जो टाटा नगर हमारा है वो स्टील सिटी है, ठीक है. स्टील सिटी क्यों है? क्योंकि वो पूरा शहर ही स्टील में बसा हुआ है, ठीक है. पूरे वर्ल्ड में टाटा स्टील्स जो कंपनी है वही क्या करती है? स्टील सप्लाई करती है. क्यों? क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्लांट है पूरे वर्ल्ड में. अरे बहुत ज्यादा जगह मिलता है लेकिन वर्ल्ड में सप्लाई इसकी भी है, ठीक है. एक इंडियन कंपनी के अगर वर्ल्ड में नाम है तो इसका मतलब समझ में आता है तुम्हें? So this is all for today, ठीक है? ये आज के लिए है. आज का होमवर्क तो ये है कि आपको मैक्सिमम मैंने ये चीजें समझा दी हैं, ठीक है? ये चैप्टर एक तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है? बचा क्या है? इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया सबका? नो सर. मंडे 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 टाइम है.
क्वेश्चन आंसर खुद से करना है, पता है ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है ना क्वेश्चन, तो आपको खुद से करना है, ठीक है? नोट्स आपको मिलेगा बिल्कुल, कोई परेशानी है? थ्री लेयर्स ऑफ अर्थ किसको नहीं पता है? कोर क्रस्ट मेंटल, ठीक है? व्हाट इज अ रॉक? रॉक क्या होता है सॉलिड फॉर्म ऑफ मिनरल या सेडिमेंट, ठीक है? थ्री टाइप्स ऑफ रॉक, ठीक है? एक्सक्लूसिव इंट्रूसिव पता है, रॉक साइकिल पता है, रॉक्स के यूजेस क्या है पता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है पता है, गिव रीजंस को कंप्लीट करना है। ये कोई करेगा या फिर मैं करूं? सर ये आगे ये सारी चीजें आपको बतानी है, ये आपका होमवर्क, ठीक है? टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, एंड अटेंडिंग दिस लेक्चर, ठीक है? So from tomorrow we will start a new chapter in history. कल से हम history की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसका दो chapter कितना complete हुआ है? एक हुआ है, चलो ऐसा कल से कल इसी को complete करते हैं, ठीक है? Okay, thank you everyone. Complete the homework.